खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। बिजवासन विधानसभा की जनता टूटी सड़क से बेहद परेशान है। पिछले 3 सालों से जनता टूटी सड़क बनने का इंतजार कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन उनकी इस शिकायत पर बिल्कुल भी गौर नहीं दे रहा है। देखिए हमारे सहयोगी प्रवीण की एक खास रिपोर्ट। टैक्स तो चाहिए लेकिन उसकी सुविधा नहीं चाहिए। मन तो यही करता है कि किसी को वोट ही ना दे। तो यहाँ पे कोई सुधार ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, जब भी जाओ कोई सुनता ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज, आपके साथ मैं हूँ प्रवीण। और इस वक्त हम पहुंचे हैं बिजवासन विधानसभा की गली नंबर 8 में, और यहाँ से हमें एक कॉल मिली थी कि जो गली की हालत है वो बेहद खराब है। लोग यहाँ आए दिल चोटिल होते हैं, बारिश के समय में यहाँ बद से बदतर हालात हो जाते हैं। मेरे पीछे जो आपको नज़ारा दिख रहा होगा, यहाँ तमाम आपको यहाँ कीचड़ नज़र आएगी, फिसलन नज़र आएगी, कोई सीवर व्यवस्था नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। और ये जो हालत है ये आज की नहीं बल्कि 2.5 से 3 सालों से ये हालत यहाँ बनी हुई है। हम यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे और ज़्यादा समझेंगे यहाँ की समस्या के बारे में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ जो विधायक थे आम आदमी पार्टी से देवेंद्र सरावत, उन्हें निष्कासित कर दिया है और बीजेपी में वो शामिल हो गए। और यहाँ जो निगम पार्षद है, लोगों का कहना है कि वो भी यहाँ नहीं आते हैं, सुध नहीं लेती हैं। तो चलिए यहाँ से लोगों से बात करते हैं और ज़्यादा समझते हैं यहाँ की समस्या के बारे में। ये तस्वीरें बिजवासन विधानसभा के गली नंबर 8 की हैं, जहां सड़क पर फैली कीचड़ हादसों को न्योता दे रही है। ये वही वोटर्स हैं जो हर 5 साल में बड़ी उम्मीदों के साथ अपने नेता को चुनते हैं, लेकिन चुनाव के बाद राजनेता इनकी उम्मीदों पर ऐसा बुलडोजर चलाते हैं कि इनकी उम्मीदें दम तोड़ दें। बिजवासन के गली नंबर 8 का ये मंजर कई वर्षों से ऐसा ही है। अब आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं बीमार सिस्टम की जीतती जागती कहानी। दिक्कतें इतनी है सर यहाँ पे कि यहाँ पे बुजुर्ग है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सारे इतने दुखी हैं कि कहीं निकल नहीं सकते। आपको यकीन नहीं होगा कि हम अपने दोस्तों को, अपने परिवार के रिश्तेदार को यहाँ पे बुला नहीं सकते। ये कहते हैं आप किस नरक में रह रहे हो। ये हालत लास्ट 4-5 साल से, लास्ट राणा जी आए थे यहाँ पे, जो पूरे रोड बना, पूरे कॉलोनी का रोड बना गए थे, उसके बाद उन्होंने किसी रोड नहीं बनवाया। पूर्व विधायक जो थे बीजेपी से, और अब नहीं विधायक जो थे राणा जी, वो थे, उन्होंने पूरे अपने समय काल में लास्ट में सारे रोड उन्होंने पूरे कराए। उसके बाद यहाँ पे एक पत्थर नहीं लगा है, सिर्फ कहने के नाम में विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, पर राजनगर में कोई विकास नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले के ऊपर, जैसे ही बता रहे हैं कि 2.5-3 साल से इसी तरह का नजर आ रहा है, लोग चोटिल होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, फिसलते हैं, वो कितने हालात बुरे हैं यहाँ। अरे बारिश होती है तो कीचड़ में ऐसे आधा पाँव कीचड़ में चला, निकलना मुश्किल हो जाता है। और खासकर एज लोग वो तो गिर जाते चलते चलते हैं। और हर दो पहले JCB आई 2 महीने पहले, कुछ कर गई, फिर परसों अभी लास्ट वीक JCB आई, फिर वो खुरापात कर गए, तो कुछ भी नहीं, रोड लेबल नहीं। गिरने के, फिसलने के, चोटिल होने के कितने मामले यहाँ आए दिन सामने आते हैं। देखो जी ऐसा है, या तो अब ऐसे गिरना दूसरी बात है, अब चोट लग जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए, वो दूसरी बात है। तो नॉर्मल तो गिरता ही ना, चोट तो लगती है ना। अब किसी के यहाँ लग गया तो थोड़ी हॉस्पिटल चला जाएगा, परेशान तो होगा आदमी, बच्चों की परेशानी होती है, लेडी बच्चे, सैकड़ों की संख्या में बच्चे यहाँ से हर रोज गुजरते हैं, बुजुर्ग यहाँ से गुजरते हैं। जो स्थानीय निवासी हैं उनका कहना है कि आए दिन यहाँ बाइक फिसलती हैं, स्कूटी फिसलती हैं, बच्चे फिसलते हैं, लोग चोटिल होते हैं। आपसे समझना चाहूँगा, आप भी यहीं रहते हैं, कितनी परेशानियों का सामना यहाँ लोगों को करना पड़ रहा है। देखिए परेशानी तो इतनी है यहाँ पे है, कोई पैदल नहीं चल सकता। अगर किसी को कुछ करना है, मतलब फंक्शन वगैरह भी करना है, तो वो भी नहीं कर सकता। और बारिश के दिनों में इतना बुरा हाल है कि यहाँ पे ना खड़ा होना भी मुश्किल है। घर से बाहर ना कोई अगर सोचता है घर से बाहर निकलने के लिए, तो यहाँ MLA है वो पार्टी से सस्पेंड बैठा है, काउंसलर है उसने आगे देखा नहीं है। और इससे पहले लास्ट जब BJP की गवर्नमेंट थी उस टाइम ये सड़क बनवाई गई थी, आज वो 4-5 साल का टाइम है, और आज का टाइम है यहाँ जो इससे पहले पार्टी के जो आपसे सस्पेंड थे वो भी आगे नहीं भटके हैं यहाँ पे। आपका क्या नाम है सर? रामनिवास गुप्ता जी। हाँ जी, पास में रहते हैं। कैसा नज़ारा होता है? नज़ारा जो सब कह रहे हैं बहुत अच्छा है, और सच्चाई है ये। सभी लोग, माताएं बहनें आती हैं, बेचारी जब बारिश हो जाती है पटकें भी खाती हैं, परेशानियां उठाती हैं। और यहाँ के सभी हमारे बुजुर्ग भाई, माताएं बहनें सभी परेशानी झेलती हैं, बच्चे भी जूते वूते सन जाते हैं जहाँ भी, ड्रेस भी खराब हो जाती है। तो आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँ लेफ्ट साइड में दिखाए, एक सामने आपको घर नज़र आएगा, और घर के ठीक सामने यहाँ जो नज़ारा है वो हमारे दर्शकों को दिखाएं। कीचड़ है चारों तरफ, फिसलने का डर है, बच्चे फिसलते हैं, बुजुर्ग फिसलते हैं, और लोगों से हम यहाँ बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुनीत। आप यहीं रहते हैं?
हाँ जी यहीं रहते हैं। तो क्या ये जो नज़ारा है पूरा बारिश के दिनों में कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती है? ये बहुत मतलब बाइक जब बाइक से या स्कूटी से आओ तो फिसलने का डर रहता है यहाँ पे। और क्या है कि ये मेन गली है जहाँ से बहुत ही ट्रांसपोर्ट का मतलब आवागमन होता रहता है, तो ये बहुत दिक्कत होती है। और मतलब एक तो जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि पेट्रोल बचाओ, तो एक तो इतने इसमें पेट्रोल भी नहीं बचता, और जब सूख जाती है गली तो यहाँ पे मिट्टी उड़ती है तो उससे पॉल्यूशन भी फैलता है। जो हम कई बार उन पर अपनी प्रॉब्लम रखने के लिए गए हैं, लेकिन हमारा कोई विधायक कभी, विधायक तो सस्पेंड है खैर, लेकिन न पार्षद यहाँ कभी आया इलेक्शन के बाद, न हमारी कोई अभी यहाँ कोई बात सुनी गई। बरसात वगैरह या बरसात से पहले गड्ढे वगैरह थे, ऊपर खाबड़ था सारा, बरसात होने के बाद उनमें गड्ढों में पानी भर जाता था, और यहाँ इतना ट्रैफिक चलता था, ट्रैफिक जोर से चलता था, छीट हो जाता था यहाँ पे। कोई ध्यान देता ही नहीं इधर, कोई ना कोई आता नहीं, विधायक भी नहीं आता कई सालों से, 4-5 सालों से आया नहीं रहा कोई भी। बीजेपी के उस टाइम ही आता था, अभी तो आम आदमी का तो कोई आया नहीं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अपने निगम पार्षद और विधायक के पास कई बार चक्कर काट चुके हैं, लेकिन इनकी शिकायतों को नहीं सुना जाता, मिलता है तो सिर्फ आश्वासन। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद यहाँ की स्थानीय महिलाओं से सुनवाएंगे यहाँ के बीमार सिस्टम की कहानी। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इंक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए आपको सीधा लेकर चलते हैं बिजवासन विधानसभा में, जहां पर स्थानीय महिलाएं प्रशासन के दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी से चुने गए विधायक देवेंद्र सहरावत को केजरीवाल सरकार ने एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत पार्टी से निष्कासित कर दिया, और बीजेपी से निगम पार्षद सुषमा गोधरा का तो कोई अता पता ही नहीं है। अब सवाल ये है कि परेशान जनता जाए कहां। सड़क की इस बदहाल हालत से न सिर्फ बच्चे परेशान हैं, बल्कि बुजुर्ग और महिलाएं भी परेशान हैं। आइए आपको महिलाओं की जुबानी सुनवाते हैं बीमार सिस्टम की कहानी। आज तो भाई बहुत सुधार है इसमें, लेकिन बारिश जब होती है ना तो इतनी किचड़ हो जाती है कि बंदा निकल नहीं सकता घर से, घर में जाए तो दिक्कत, आए तो दिक्कत, और गाड़ियां फिसल जाती हैं जब गाड़ियां यहां से जाती हैं, बाइक तो एक्सीडेंट का भी डर रहता है, और आए दिन मतलब यहां पे पानी भर जाता है, तो यहां पे कोई सुधार ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, जब भी जाओ कोई सुनता ही नहीं। अब जैसे कि बता रहे हैं फिसलने के बहुत मामले आते हैं, क्या आप भी कभी फिसले हैं? भैया मैं तो रोज़ फिसलती हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे ही दिक्कत है। मेरे घर के आगे देखियो, अभी मैं वहाँ ले चलूँगी, मैं 4:30 बजे उठती हूँ, मेरे पास DMS का दूध का बूथ है, इसलिए मैं सबसे जल्दी उठती हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत है। और इस गली में कोई नहीं आता, वोटों को टाइम आते हैं, भाषण देने, बकवास करना करने। आप क्या कहेंगे? हाँ जी, बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो गिर जाते हैं, और कई दफ़े जा भी नहीं पाते हैं, इस कारण इतने इतने पानी में घुटन घुटन पानी में बच्चे निकल के जाते हैं, फिर स्कूल में डांट भी पड़ते, गंदे हो जाते हैं। तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमें तो 24-25 साल। ये बताइए, क्या कोई विधायक या प्रशासन का अधिकारी, कोई निगम पार्षद आता है यहाँ पे, सुध लेता है कभी? कोई नहीं सुनता यहाँ पर, कोई नहीं सुनता, बस वोट लेने आते हैं, बस वैसे नहीं आते। अच्छा, जब घर में बात चलती होगी, आपकी गली से लोग जाते हैं वहाँ, तो क्या कुछ जवाब मिलता है? अरे हम खुद जाते हैं। अच्छा, क्या जवाब मिलता है? अभी विधायक जी है नहीं, बाद में आना, हाँ जी हो जाएगा, आश्वासन देते रहते हैं। इलेक्शन के टाइम में ना वोट लेने के तो हाथ भी पैर भी जोड़ेंगे, और फिर ऐसा काम होता तो कोई काम कुछ करता नहीं है। अब ऐसी बुरी हालत है, बारिश के टाइम में तो कई बाइक वाले मेन होल खुले पड़े रहते हैं, बाइक वाला गिर जाता है, अब बच्चे गिर जाते हैं, और हमारे जैसे तो जिनके ज्वाइंट पेन है वो तो चल ही नहीं सकते हैं, फिर क्या करेंगे बताइयो। बहुत मिलते हैं, कल भी स्कूल में 8th क्लास की लड़कियां स्कूटी पे जा रही थी, दोनों ही बेचारी ड्रेस गंदी हो गई, यही फिसल के गिर गई, बारिश आई तब वो वापस घर को गई, कपड़े चेंज करके आई, और वोट लेनी होती है तभी सिर्फ यहाँ पे गोदारा जी भी उसी टाइम आई थी, उसके बाद आज तक आके नहीं देखा है उन्होंने। मन तो यही करता है कि किसी को वोट ही ना दे, वोट जाने के लिए भी बहुत मन दुखी होता है। मैं एक चीज देख रहा हूँ यहाँ पे सबकी जो, एक सेकंड आप थोड़ा शांत रहिए, एक मिनट
एक चीज मैं देख रहा हूँ, सबकी चौतरियाँ यहाँ टूटी हुई हैं, इसकी क्या वजह है? ये जेसीबी वाले तोड़ के गए रोड बनाने के टाइम, अब बनाते हैं नहीं और गाड़ियाँ अंदर जा नहीं पाती। तोड़ी थी चौतरियाँ कब तोड़ी? अब क्या हाल है आप देखो, अब साल पहले तोड़ी गई थी, बस टूटी हुई है ये तो, बस जब से ये डाला था ना पाइप बड़ा। आप बोलिए। अभी ये खुदाई नहीं करी थी जे सीवाणा ने, वो सीवर लाइन डाली तब उन्होंने सारी सीवर लाइन, अभी हो गया इस साल हो गई, हाँ दो ढाई साल की रोड बन जाएगा, रोड बन जाएगा, रोड आज तक भी नहीं बना है। अब जरा सीवर का देखो, हमारा सारा घर खराब हो गया ना है, और सीवर वो नए सीवर नहीं डाल रहे, वही मैं बोल रही हूँ। तो आपने देखा कि लोग किस तरह से यहाँ शिकायत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ प्रशासन कोई अधिकारी, कोई नेता या फिर कोई निगम पार्षद या विधायक यहाँ सुध लेने के लिए नहीं आता। सड़क के नाम पर, सड़क बनाने के नाम पर, सिविल लाइन डालने के नाम पर सबकी चौथियाँ यहाँ तोड़ दी गई। लेकिन ये नज़ारा आपको जो यहाँ नज़र आ रहा है, ये दो ढाई साल से ऐसे ही बना हुआ है। आए दिन यहाँ बच्चे फिसलते हैं, बुजुर्ग फिसलते हैं, लेकिन प्रशासन हाथ पे हाथ धर कर बैठा हुआ है। ये शिकायत है लोगों की। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज। हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर को देखने के बाद संबंधित अधिकारी और नेता हरकत में आएंगे और समस्या का समाधान करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।